ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा काम क्या किया, इस देश के अंदर एक नई डिलीवरी सिस्टम तैयार की। आपको पता है राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो अंतिम व्यक्ति को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे, 85 पैसे गोज इनटू करप्शन, ये करप्शन में चले जाते हैं, ऐसा खुद देश के प्रधानमंत्री कहते थे। मोदी जी ने कहा मैं ऐसी व्यवस्था तैयार करूंगा 1 रुपया दिल्ली से निकलेगा तो लास्ट मैन को पूरा 1 रुपया मिलेगा, 1 पैसा भी किसी को खाने के चांस मैं नहीं दूंगा, और ऐसी सिस्टम मोदी जी ने तैयार की। आज हम देखते हैं करोड़ों लोगों को शौचालय मिला, करोड़ों लोगों को घर मिला, करोड़ों घरों में गैस गया, करोड़ों घरों में पीने का पानी गया, करोड़ों घरों में बिजली गई, करोड़ों करोड़ों लोगों को स्टार्टअप के अंदर, स्टैंडअप के अंदर अलग अलग प्रकार के लोन वहां पर मिले, मुद्रा के लोन मिले। लेकिन इस देश में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मोदी जी की स्कीम को लेने के लिए मुझे 1 रुपया देना पड़ा, किसी को नहीं देना पड़ा, सबके घर में सीधे मोदी जी ने उनके बैंक अकाउंट में ये सारा पैसा दिया या उनको डायरेक्ट योजना दी। इसके कारण इस देश में करप्शन लेस इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार मोदी जी ने खड़ी की। इसका परिणाम क्या हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट? इसका रिजल्ट ये हुआ इस देश में 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे वो गरीबी रेखा के ऊपर आए। और अभी अभी एक जो नया रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अब भारत में मात्र 3% पीपल, केवल 3% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में बचे, उससे सारे लोग पॉवर्टी के बाहर आ गए। इस प्रकार का रिपोर्ट आज हमारे सामने आया। तो एक प्रकार से देश को बदलने का काम ये मोदी जी ने किया। और इसमें सबसे बड़ी मोदी जी की जो उनका गुण है वो ये है कि भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने गरीबी निर्मूलन का सहारा किया। शायद देश के 50 बड़े उद्योगपति, इनको मदद करके भी देश को आर्थिक दृष्टि से बड़ा बनाया जा सकता था, लेकिन उससे गरीबी कभी दूर नहीं होती। मोदी जी ने सारा पैसा देश का गरीबों के, मध्यम वर्गियों के, मिडिल क्लास के, उनके डेवलपमेंट के लिए लगाया और उससे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हुई, उससे लोगों को जॉब्स मिले, उसके कारण देश बड़ा हुआ। और इसीलिए आज एक बहुत ही ऐसे मकाम पर हमारा देश है कि आने वाले दिनों में हमारा मिडिल क्लास बढ़ता जाएगा और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हम खत्म कर पाएंगे।